हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का सेशन नंबर 83 है ये, और आज के इस सेशन की जो चॉइस है वो है वर्ड रिस्पाइट। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहली बात, पार्ट ऑफ स्पीच में आप जाएंगे तो पाएंगे कि रिस्पाइट एक नाउन है। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिस्पाइट इज अ शॉर्ट रिलीफ ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट। मतलब रिस्पाइट एक तरीके का ब्रेक है जिसको आप आराम कह सकते हैं, थोड़ा सा रुकना जिसको कह सकते हैं। जैसे आप लगातार दौड़ रहे हो और फिर आप थकने लगे, तो आपने 2-4-5 मिनट के लिए या तो कहीं आप रुक गए या फिर आपने अपने दौड़ने की जो स्पीड थी वो हल्का सा स्लो कर दी, तो उससे आपको जो रिलीफ मिली है उस रिलीफ को हम रिस्पाइट बोलते हैं। तो जो ब्रेक है, जो इंटरवल है, उसको रिस्पाइट कहा जाता है, आराम जिसको कह सकते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। पेन किलर्स ब्रिंग टेम्पररी रिस्पाइट फ्रॉम पेन विच इज समटाइम्स अनबियरेबल। जब हमारे शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, तो कई बार हम पेन किलर्स लेते हैं। वो पेन किलर्स हमारे दर्द का, हमारे पेन का सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए हमको उनसे, जो पेन हमें हो रहा होता है उससे रिस्पाइट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। जिन भी चीज़ों से आपको रिस्पाइट मिलता है उसके लिए आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम ऐड करना होता है। जैसे किस से आराम मिला? पेन से आराम मिला। अगला देखिए, ऑन द थर्ड कंजेकेटिव डे। कंजेकेटिव का मतलब होता है लगातार, जिसको मैथ्स में क्रमागत बोल देते हैं। तो लगातार तीसरे दिन भी वैसी ही गर्मी हो रही है, जरा भी रिस्पाइट नहीं है। पढ़िए ना, देयर सीम्स टू बी नो रिस्पाइट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है वो चिलचिल, मतलब क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती, पसीना आ रहा होता, तो उसे हम ना स्कॉर्चिंग हीट बोलते हैं, शायद तपती धूप कहते हैं हिंदी में। तो लगातार तीसरे दिन गर्मी उतनी पड़ रही है, जरा सा भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। रिस्पाइट के बाद देखिए यहाँ भी क्या लगा? फ्रॉम लगा। अब एक और एग्जांपल है, इसमें कहा जा रहा है, दिस जॉब विल श्योरली गिव मोहन सम रिस्पाइट फ्रॉम हिज माउंटिंग डेब्ट्स। सो डेब्ट्स का मतलब कर्ज है, माउंटिंग का मतलब जो पहाड़ का रूप ले रखा है, यानी कि कर्ज बहुत ज्यादा है मोहन के ऊपर। तो ये जो जॉब मिली है इससे मोहन का कर्ज खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इस जॉब से मोहन को कर्ज चुकाने में सहूलियत जरूर हो जाएगी, तो एक रिस्पाइट का काम करेगा, थोड़ा सा रिस्पाइट उसको जरूर मिलेगा। तो ये तो इस वर्ड रिस्पाइट का मीनिंग हो गया, ब्रेक, आराम। याद कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, आप रिस्पाइट को रेस्ट से रिलेट कर लीजिए और चाहे आप रिस्पाइट को रिलीफ से रिलेट कर लीजिए, है ना। थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको खुद बनानी चाहिए अपने लिए। मैंने हल्का सा बता दिया कि आप रिस्पाइट को रेस्ट से रिलेट कर लीजिए, काफ़ी हद तक रिस्पाइट की और रेस्ट की स्पेलिंग मेल खाती है, या रिलीफ से रिलेट कर लीजिए, तो ये एक आराम है, ब्रेक है। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिलीफ, रेस्ट, ब्रेक, इंटरवल, इंटरमिशन, रिपोज। रिपोज मतलब भी होता है रेस्ट करना, सेसेशन कमी आना, रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है जैसे कि किसी को कोई पनिशमेंट दी गई हो, तो अब आप चाहते हैं कि वो पनिशमेंट कुछ कम कर दी जाए, 10 ईयर्स ऑफ जेल की जगह वो 5 ईयर्स ऑफ जेल हो जाए, तो आप रिप्रीव के लिए ट्राई करते हैं। रेमिशन, रेमिशन अक्सर जब कोई बीमारी ना एक्टिव स्टेट में होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, तो कुछ समय के लिए वो बीमारी जो है पैसिव स्टेट में चली जाती है, तो उसको रेमिशन बोलते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना कि पेन किलर्स आपने लिए तो आपको आपके दर्द से हल्का सा आराम मिला, तो अब जो पेन आपको हो रहा था इट हैज गॉन इनटू रेमिशन, वो रेमिशन में चला गया है। मोरेटोरियम, स्टे ऑर्डर नहीं होता कि स्टे ले लिया गया तब कुछ दिन के लिए ठहर गया, आराम मिल गया। कंटिन्यूएशन, एडवांस, लिंगर, ये सारी चीजें एंटोनिम्स का काम करेंगे। तो ये था आज का वर्ड ऑफ द डे, रिस्पाइट। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। जिन भी लोगों को मेरा ऑनलाइन कोर्स लेना हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर आप iOS यूजर हैं या आप अगर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो
उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कॉल भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। जिन भी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मेरे से, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार। कमेंट जरूर करिए।